सीतापुर के मोहली कस्बे में स्थित माँ कमला देवी स्कूल जाने वाले मार्ग पर जबरदस्त लीकेज होने के कारण छोटे छोटे बच्चों को हो रही समस्या को देखते हुए नगर पंचायत मोहली के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार भार्गव ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मोहल्ले के तमाम लोगों ने इस समस्या को लेकर गहरी चिंता प्रकट की है। बच्चों को साफ सुथरा मार्ग मिले, मोहल्ले वासियों की समस्या दूर हो, इसको देखते हुए ईओ मोहली निदेश भार्गव ने तत्काल जलकल विभाग के जूनियर व अन्य कर्मचारियों को बुलाकर लीकेज की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। ईओ ने बताया कि इसे दुरुस्त करने के लिए पाइप के दोनों तरफ चैम्बर बनाकर उसके अंदर पाइप निकाली जाएगी, जिससे लीकेज की समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रयास रहेगा कि यह समस्या एक सप्ताह के अंदर सही हो जाए। मैंने बनवाया था इससे पहले भी, मगर ये कामयाब नहीं हुआ। अभी मैंने जेई साहब को भी बुला लिया है कि ये जो इसकी स्थायी समस्या का निराकरण हम लोग ढूंढ रहे हैं, कि जेई साहब के थ्रू मालूम हुआ कि ये जीआई पाइप वगैरह बनवा देंगे हम लोग, तो ये स्थायी जो है समस्या निस्तारित हो जाएगी। इसके लिए हमने प्रयास किया, आज ही मैं लेटर फॉरवर्ड कर दूँगा जल विभाग को, ताकि जो है ये विद इन वीक जो है समस्या खत्म हो जाए।